इंडस्ट्रीज देखेंगे। सर अगर देखे तो ऊपर थोड़ा 420 के आसपास से एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो अभी उसको देखते हो लगता है कि थोड़ा सा नीचे है तो बाइंग करना चाहिए इस स्टॉक में। नेट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही है चार्ट, बट जो बाइंग डिप्स है वो ज्यादा अच्छा है। तो 370 से 360 की रेंज में मिले तो बाय करना चाहिए, 340 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेवल्स पे खरीदारी करनी है वो बता दीजिए सर। अगर मेरे पास पहले से है और मैं अब परेशान हूँ तो मेरे लिए क्या राय है, क्या स्टॉप लॉस है? सर मतलब ज्यादा तो ऊपर से टूटा नहीं है अभी भी, तो किसी ने अगर हाई पे ही फंसा हो तो बात दूसरी हो सकती है कि बिल्कुल टॉप पे ही फंसा हो, बट इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है सर वो 340 का बन रहा है, जिनका कम से कम 3 महीने से ऊपर का हॉरिजन हो, तो 340 से कम का स्टॉप लॉस ना रखे और स्ट्रिक्टली फॉलो करे उसको। ठीक है, कुल मिलाकर के आप ये नहीं कह रहे ना कि निकलने की तो कोई जरूरत नहीं है, अभी जो गिरावट है ये? नहीं नहीं निकलने का नहीं है, बाय ऑन डिप्स का ही है स्टॉक अभी भी, कुछ नीचे अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो बाय ही करना चाहिए। ठीक है, ये जो गिरावट है ये मौका ही है और एंट्री या नई एंट्री करने का, ये कह रहे हैं। ठीक है,